हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जामपुर सीरीज। और एग्जामपुर सीरीज नहीं, हमारी एग्जामपुर ट्रेन चल रही है। तो हमने कल ट्रेन में हमारी ब्रेक लगा दिया था और अब ट्रेन हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एग्जामपुर की। सो वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू, है ना। कैसे हैं आप सभी लोग? और हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे, सिविक्स हम पढ़ रहे थे, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी थी, हमने चैप्टर वन स्टार्ट कर दिया था पावर शेयरिंग, जिसमें मैंने आपको चैप्टर की समरी बता दी थी और वन मार्क क्वेश्चंस को आपको कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग जो हैं, जो 3 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं आपके, उनको कैसे लिखना है, 40 वर्ड्स का लिमिट रहता है, तो आपको किस तरीके से उसको मैनेज करना है ये मैं आपको बताऊंगी। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के भी, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर के, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। तो यहां पर मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं, मायसेल्फ पूजा पाटोले एंड आई विल टीच यू सोशल स्टडीज, ठीक है। कुछ मैं बता दूं, है ना, प्राडिस इंस्टीट्यूट के बारे में। और यहां पर प्राडिस एजुकेशन जो है, अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं PRADIS_10, तो प्राडिस एजुकेशन आपके लिए लेकर आया है एक लिमिटेड टाइम ऑफर, जिसमें जो आपका क्लास KG to 10th है, वैसे तो उसका प्राइस 30,000 है, बट एक लिमिटेड ऑफर के लिए आपको वो ऑफर प्राइस जो है 9,999 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा इफ यू यूज द कूपन कोड PRADIS_10। एंड अगर आप लोग क्लास 11th और 12th के लिए एनरोल होना चाहते हैं, तो आपको वो प्राइस भी जो है आपको 9,999 में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है प्राडिस एजुकेशन ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी डिटेलिंग जाननी हो, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो वी प्राडिस एजुकेशन और वी ऑफर यू द क्लासरूम वीडियोस, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन पे आपको क्लासरूम वीडियोस मिलेंगे, 3D वीडियोस मिलेंगे, 3D रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाया जाएगा, लेक्चर वीडियोस मिलेंगे, हर आपके चैप्टर के लेक्चर वीडियो वहां पर अवेलेबल हैं, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, रीसेंट लाइव लेक्चर्स जो होते हैं वो भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। कॉन्टेंट जो रहेगा आपका, जितनी भी बुक्स हैं, है ना, सबका कंटेंट आपको, जो समरी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, फ्री सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट भी आप उसमें ले सकते हैं, है ना, टेस्ट भी आपके उसमें रहेंगे, वर्कशीट्स रहेगी और डाउट सेशंस भी आपके रहेंगे, और डाउट भी आपकी वही फैकल्टी सॉल्व करवाएगी जो फैकल्टी आपको पढ़ाती है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पावर शेयरिंग चैप्टर 1 पार्ट 2, है ना, पार्ट 1 हम फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स की, है ना, जो आपके 3 मार्क्स के होते हैं, है ना। शॉर्ट आंसर्स की अगर मैं बात करूं तो वो आपके कितने होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं, और 3 मार्क्स में आपकी वर्ड लिमिट होती है 40 वर्ड्स, है ना। 40 वर्ड्स के अंदर आपको आपके 3 मार्क्स आंसर्स जो होते हैं वो लिखने रहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन, हाउ बेल्जियन गवर्नमेंट सॉल्व द एथनिक प्रॉब्लम। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं 3 मार्कर में, है ना। तो यहां पर क्या पूछ रहा है ये, कि बेल्जियन गवर्नमेंट ने कैसे सॉल्व किया एथनिक प्रॉब्लम। तो बेल्जियम का सिनेरियो आपको पता है, बेल्जियम की स्टोरी आपको पता है कि वहां पे क्या चीज हुई थी, है ना। तो वहां पर वो पूछ रहा है कि एथनिक प्रॉब्लम जो हुई थी, जो लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम हुई थी, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम हुई थी, उसको कैसे सॉल्व किया बेल्जियम ने। तो आपको किस तरीके से लिखना है ये, तो पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे द पाथ ऑफ अकोमोडेशन अडॉप्टेड इन बेल्जियम। पहला, क्या क्या अडॉप्ट किया बेल्जियम ने, तो पहला क्या किया,
डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले जो बेल्जियन मॉडल था उसने क्या इंट्रोड्यूस किया कि आपका जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, कम्युनिटी ग्रुप्स थे, उन सब का क्या किया, जो मिनिस्टर्स थे है ना, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें जो मिनिस्टर्स थे वो इक्वल कर दिया, राइट। फिर उसके बाद क्या किया, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। और यहां पर क्या चल रहा था, लेवल ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर उन्होंने किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी वही कुछ पावर्स जो है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी, ताकि जो स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल ऑर्डर का वो मेंटेन रहे, है ना। एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहां पर जब स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो उससे पूछताछ करेंगे कि भाई बताओ आप क्या पावर यूज कर रहे हो, आप इसका कैसे यूज कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दी, अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी, मतलब क्या होगा कि वो अब जो भी उनको करना होगा उनकी स्टेट में वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी पावर उनको दे दी। उसके बाद क्या किया, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस। और वहीं पर बेल्जियम की स्टोरी याद करो, हमने क्या देखा था कि पूरी कंट्री में डच स्पीकर्स ज्यादा थे और फ्रेंच कम थे, बट वहीं पर जो ब्रुसेल्स का कैपिटल था वहां पर क्या हो रहा था, ब्रुसेल्स के कैपिटल में फ्रेंच ज्यादा थे और डच कम थे। तो इसको स्टेबल करने के लिए कि कहीं कंफ्लिक्ट ना हो जाए, तो ब्रुसेल्स कैपिटल में भी कैपिटल को भी एक पावर दे दी और वहां पर भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया, और वहां पर भी दोनों कम्युनिटीज को भले ही वहां पर फ्रेंच ज्यादा है डच कम है फिर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, ताकि कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो, है ना। There is a third kind of government called community government elected by the people belonging to Dutch, French and German no matter where they live. तो यहां पर क्या हुआ कि एक community government भी बना दी। कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब बताया था मैंने आपको कि जितने भी कम्युनिटीज हैं, जितने सोशल ग्रुप्स बनते हैं, तो यहां पर कम्युनिटीज कैसी बन रही थी, फ्रेंच की कम्युनिटी अलग, जर्मन की कम्युनिटी अलग, डच की कम्युनिटी अलग, तो ऐसी सेपरेट कम्युनिटीज भी बना दी, ताकि जो कम्युनिटीज की जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन कम्युनिटी के लोग ही निकाले, और कम्युनिटी के लोग ही अपने लीडर को इलेक्ट करेंगे और फिर उससे डिस्कस करेंगे कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे ये इशू है, इनको ऐसे सॉल्व करना है। तो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी क्रिएट कर दी। तो इस तरीके से बेल्जियन गवर्नमेंट ने एथनिक प्रॉब्लम सॉल्व किया, है ना, ये सारी चीजें अडॉप्ट करके। तो आपको एक एक पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने हैं, है ना। 3 मार्क में आप कैसे लिखोगे, पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे, तो जो एग्जामिनर होता है ना, उसको इजी रहता है पढ़ने के लिए कि हाँ भाई इसको हर चीज पता है, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आपने इसको पैराग्राफ में लिखा तो इसका इतना वैल्यू नहीं होगा, है ना, उतने मार्क्स अच्छे आपको नहीं मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए जब आपके पास स्टेप्स होते हैं किसी भी आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप उसको स्टेप वाइज लिखें, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म एंड हाउ इट हैज लेड टू एलियनेशन ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी इन श्रीलंका। अब हम श्रीलंका की बात करेंगे, तो कल हमने डिस्कस किया था मेजोरिटेरियनिज्म, व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म, तो ये 1 मार्क में भी आता है, बट अगर ऐसे क्वेश्चन आपको 3 मार्क में भी पूछे जाते हैं तो भी आपको आना चाहिए। बट इसके साथ एक सब क्वेश्चन भी है, हाउ इट हैज लेड टू एलिनेशन ऑफ मेजोरिटी गवर्नमेंट इन मेजोरिटी कम्युनिटी इन श्रीलंका। और ये जो मेजोरिटेरियनिज्म है, तो इसकी वजह से जो श्रीलंका में मेजोरिटी कम्युनिटी ने क्या किया, क्या हुआ, तो आप कैसे लिखोगे इसको, पहला तो आप इंट्रोड्यूस करोगे द डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी, है ना, जो डोमिनेंस किया मेजोरिटी कम्युनिटी ने टू रूल द कंट्री, है ना, कंट्री को रूल करने के लिए मेजोरिटी कम्युनिटी ने क्या किया, डोमिनेट किया इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स, टोटली डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी इज नोन एज मेजोरिटेरियनिज्म। तो यहां पर क्या हुआ
कि जैसे मेजॉरिटी चाहती थी उन्होंने वैसे कंट्री को रूल किया, और जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, माइनॉरिटी कम्युनिटी को डिसरिगार्ड किया, डिसरिस्पेक्ट किया। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, तो कैसे किया, श्रीलंका ने पहले क्या किया, मेनली देयर आर टू कम्युनिटीज, सिन्हाला एंड तमिल। ठीक है, सिन्हाला थे और तमिल थे। लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्चू ऑफ देयर मेजॉरिटी, एंड सिन्हाला हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज कंट्री बाय डिसरिगार्डिंग तमिल्स। क्या किया उन्होंने, सबसे पहले कि सिन्हालाज ने अपना जो ऑफिशियल लैंग्वेज था उसको क्या किया, सिन्हाला बना दिया, और तमिल्स को क्या कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया। गवर्नमेंट फॉलोड अ प्रिफरेंशियल पॉलिसी, क्या बना दी, प्रिफरेंशियल पॉलिसी बना दी, फेवरिंग सिन्हालीज इन यूनिवर्सिटी पोशंस एंड गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट ने और क्या किया कि प्रिफरेंशियल पॉलिसी चला दी, मतलब कि अब सिन्हालास को प्रेफरेंस मिलेगी, पहले उनको रखा जाएगा इन यूनिवर्सिटी जॉब्स या यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए, और फिर तमिल को देखा जाएगा, है ना। थर्ड वन, द गवर्नमेंट एनकरेज्ड एंड प्रोटेक्टेड बुद्धिज्म। क्या किया, जो सिन्हालीज थे, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो सिन्हालीज कम्युनिटी थी, है ना, जो सिन्हालीज लैंग्वेज स्पीकर्स थे, वो उनका जो रिलीजन था वो बुद्धिज्म को मानते थे, तो उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को ही प्रमोट करना शुरू कर दिया, और द डिस्ट्रस्ट हैज टर्न इनटू अ सिविल वॉर दैट हैज कॉज्ड अ सेटबैक टू सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ श्रीलंका। और यहीं पर जब उन्होंने ये तीनों चीजें करी, क्या क्या की, पहले तो सिन्हाली को क्या बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज, दूसरा क्या किया, प्रेफरेंशियल पॉलिसी चला दी, सिन्हालीज को ही गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन मिले, तीसरा इसकी वजह से क्या हुआ, डिस्ट्रस्ट हुआ, प्लस तीसरा क्या था कि बुद्धिज्म को उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्ट किया और एनकरेज किया गवर्नमेंट ने, तो इन तीन चीजों की वजह से सिविल वॉर जैसे सिचुएशन हो गई, सिविल वॉर हुआ, और जो सोशल कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ थी श्रीलंका की वो क्या हो गई, एकदम डिस्ट्रॉय हो गई, है ना। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है आंसर। फिर डिस्क्राइब थ्री डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, हाउ डिड दे स्ट्रगल फॉर देयर इंडिपेंडेंस। तो यहां पर तीन डिमांड कौन सी थी जिन्होंने श्रीलंकन तमिल्स को, है ना, कौन कौन से डिमांड्स थी जो श्रीलंकन तमिल्स ने रखी थी सिन्हालीज के सामने, एंड हाउ डिड दे स्ट्रगल फॉर देयर इंडिपेंडेंस। तो यहां पर कौन कौन सी थी, पहली डिमांड की भैया हमारे भी तमिल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करो एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। दूसरी डिमांड क्या थी कि भाई हमें रीजनल ऑटोनॉमी दो, मतलब हम जिस रीजन में रह रहे हैं वहां का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वहां पर हमें कैसे मैनेजमेंट करना है, हमारी कुछ अलग प्रॉब्लम्स है, हमारे कुछ अलग सॉल्यूशंस होंगे उसके, तो हमें एक ऑटोनॉमी दो एडमिनिस्ट्रेशन करने की, हमारे पास एक पावर होनी चाहिए कि हम उसको कैसे एडमिनिस्टर करें, तो हमें रीजनल ऑटोनॉमी मिले। एंड द थर्ड डिमांड वॉज इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग जॉब्स एंड एजुकेशन। और जो प्रेफरेंशियल पॉलिसी चलाई थी कि पहले सिन्हालीज को देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए, हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन सिक्योरिंग जॉब्स एंड एजुकेशन। ठीक है, They formed several, और ये कैसे किया उन्होंने स्ट्रगल, तो यहां पर उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, They formed several political organizations, but when the government tried to suppress their activities by force, this led to civil war. जब उन्होंने बहुत सारे political organizations बनाए, movement चलाए, pressure groups बनाए, तो उनके इस movements को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया by the Sinhalese, और जिसकी वजह से वो और ज्यादा furious हो गए और civil war जैसी situation बन गई। ठीक है, तो ऐसा आपको आंसर लिखना है टू द पॉइंट। हाउ इज पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, पावर जो है कैसे शेयर होती है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये जो तीनों ऑर्गन्स है ये सेम लेवल पर होते हैं, तो इनके बीच में किस तरीके से पावर शेयर होती है, तो यहां पर This type of power sharing is known as horizontal power sharing. सबसे पहले आपने ये बता दिया कि ये जो होता है, इस type का जो power distribution होता है, इसे हम क्या कहते हैं, horizontal distribution of power sharing, है ना,
as well as all the organs is placed at the same level and each organ can check the other. ये मैंने आपको है ना एक्सप्लेन किया था कि जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती है ये तीनों एक ही लेवल पर होते हैं और सेम लेवल पर होते हैं, मतलब इनके पास जो है पावर भी इक्वल होती है और ये एक दूसरे को चेक भी कर सकते हैं कि भाई ये सही से काम कर रहा है या नहीं। तो ये सब इक्वल होते हैं, सब सेम लेवल पे होते हैं, सबके पास सेम पावर होती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई एक ऑर्गन जो है उसके पास अनलिमिटेड पावर है, किसी एक के पास कम पावर है, ऐसा नहीं होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना। तो इसमें आप एग्जाम्पल देंगे, इवन थ्रू मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। और यहां पर कैसे कि जैसे मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास पावर होती है ना, बट वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, मिनिस्टर्स जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो ऑफिसेज में बैठते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं लॉज को, तो इनके पास पावर होती है, बट सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को, उनको अपनी चीजों को लेकर जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, है ना। तो यहाँ पे चेक होता है हर किसी का पावर, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर को लिखना है ना। हाउ इज फेडरल गवर्नमेंट बेटर देन अ यूनिटरी गवर्नमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। हमने बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी बहुत ही अच्छे से पढ़ी है ना। तो यहां पर जो फेडरल गवर्नमेंट होता है और यूनिटरी गवर्नमेंट होता है, इन दोनों में क्या अच्छा होता है, हम बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से देखते हैं। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, है ना। फेडरलिज्म क्या होता है, जब आप वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करते हो, मतलब आप डिफरेंट लेवल की बात करते हो कि इनके पास पावर है, फिर इनके पास पावर है, फिर इनके पास पावर है ना। तो वेरियस क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लेवल होते हैं, तो सबके पास क्या होती है, पावर होती है, ठीक है, पावर डिवाइडेड होती है, उसको बोलते हैं हम फेडरलिज्म। और फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स, जो अभी मैंने आपको बताया कि इन फेडरल गवर्नमेंट पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बट इन यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, ऑल द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ सिंगल यूनिट। तो यहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होगा कि सारी जो पावर होती है वो एक आदमी के पास होती है, एक पर्सन के पास होती है, और वही सब चीजें क्या करता है, मैनेज करता है। बट वहीं फेडरलिज्म में क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट में पावर जो होती है वो डिवाइड हो जाती है बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ दैट कंट्री, ठीक है, डिफरेंट लेवल में पावर डिवाइड हो जाती है। बेल्जियम में जैसे जो लीडर्स थे, द बेल्जियम लीडर्स ट्राइड टू सॉल्व द एथनिक प्रॉब्लम बाय respecting the feeling and interest of different committees and regions by establishing a federal government, है ना। बेल्जियम मॉडल में क्या किया गया था, तो जो डिफरेंट कम्युनिटीज थी सबको जो है पावर्स दे दी, कैपिटल में भी पावर दे दी, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसको भी पावर दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सारी कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा, है ना, ये सब चीजें करी, तब जाके क्या हुआ वहां पर फेडरल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। पर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, थ्रू मेजोरिटेरियनिज्म, है ना, कैसे सॉल्व किया, मेजोरिटेरियनिज्म से, कि हम तो क्या करेंगे, मेजोरिटी रूल चलाएंगे, है ना, मेजोरिटी रूल चलाएंगे, जो मेजोरिटी में होगा उसकी चलेगी, वो जैसा चाहता है वैसा करेगा। तो इस तरीके से दोनों ने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो वहां पर अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि किसका मॉडल अच्छा था, फेडरल गवर्नमेंट इज बेटर देन यूनिटरी गवर्नमेंट, क्यों, क्योंकि यहां पर सबकी रिस्पेक्ट हो रही थी, सबकी फीलिंग और सबके इंटरेस्ट का रिस्पेक्ट हो रहा था। तो यहां पर आप लिखेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इज बेटर देन यूनिटरी गवर्नमेंट बिकॉज
इट रिस्पेक्ट्स द फीलिंग्स ऑफ द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ बोथ कम्युनिटीज. Both or you can write many communities. Okay? तो यहां पर आप last में answer को conclude कर देंगे, ठीक है? Write down the features of horizontal division of power sharing. Horizontal division of power sharing में क्या क्या features होते हैं, क्या क्या characteristics होती है. So, horizontal division of power sharing in which power is shared among different organs of government like legislature, executive and judiciary. तो सबसे पहले तो आपको जो भी question में एक term होगा उसको आपको describe करना है, उसकी definition सबसे पहले आपको लिख देनी है in 3 marker, है ना? फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अब features लिखते जाओगे. Different organs of government exercise the power, है ना? जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स है वो सब के पास पावर होगी, है ना? इट स्पेसिफाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस, है ना? तो यहां पर इसको अंडरलाइन करोगे आप कि ये क्या करता है, कॉन्सेप्ट यूज करता है चेक एंड बैलेंस का, है ना? कैसे? चेक भी कर सकता है एक दूसरे की पावर्स की भाई मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बैलेंस हो जाता है, तो चेक एंड बैलेंस कॉन्सेप्ट यूज करता है. हॉरिजॉन्टल डिविजन ऑफ पावर, इट इंश्योर्स द कंसेप्ट ऑफ एक्सपांशन ऑफ द डेमोक्रेसी. इसकी वजह से अगर हम हॉरिजॉन्टल डिविजन ऑफ पावर यूज करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो बहुत ही क्या करती है, अच्छे से चलती है और एक्सपांड होता है डेमोक्रेसी, है ना? एक्सपांशन होता है डेमोक्रेसी का एट डिफरेंट लेवल्स, है ना? तो यहां पर यह भी होता है फीचर. उसके बाद एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना? ये डिफरेंट ऑर्गन्स है, सबके पास अपनी अपनी पावर है, तो ये क्या हुआ, एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. अब अगर फीचर्स की बात करें, वर्टिकल डिविजन, वर्टिकल डिविजन में क्या लिखेंगे आप कि इन वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर शेयरिंग पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. जो पावर होती है वो शेयर होती है डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. और यहां पर जैसे कि हम बात करेंगे लाइक यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोअर लेवल्स, है ना? जैसे लोकल गवर्नमेंट हो जाती है, रीजनल गवर्नमेंट हो जाती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट हो जाती है, तो ये सब क्या हो गए, लेवल्स हो गए. तो इनके बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नोन एज वर्टिकल डिविजन. तो पहले हमने डेफिनेशन लिख दी, अब हम उसके क्या लिखेंगे, फीचर्स लिखेंगे. तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सरसाइज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, सब डिफरेंट लेवल के पास क्या होंगी, पावर होंगी. फिर नो स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ चेक बैलेंसेस. यहां पर अब देखो ये एक डिफरेंस हो जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में. कैसा, कि हॉरिजॉन्टल में चेक बैलेंस होता है, है ना? कि आप चेक कर सकते हो एक दूसरे की पावर. बट वर्टिकल डिविजन में जब आप लेवल्स की बात करते हो, लेवल में यू कांट चेक एंड बैलेंस. क्यों? क्योंकि क्या दे रखी है, ऑटोनॉमी दे रखी है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग स्टेट को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, उसको वो वहां पर क्या है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब कि उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को, या उसको हर बार हर चीज करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, है ना? जो भी स्टेट गवर्नमेंट में होगा वो क्या कर सकती है, ऑटोनॉमी के साथ कर सकती है. तो यहां पर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा. इट इंश्योर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. तो यहां पर जो है डेमोक्रेसी और डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब हॉरिजॉन्टल में आपका जो डेमोक्रेसी था वो क्या हो रहा था, एक्सपांड हो रहा था, मतलब बढ़ते जा रहा था, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन्स थे तो वो अपनी अपनी पावर क्या कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे सेम लेवल पर. बट जो आपका वर्टिकल होता है ना, सपोज ये आपका हॉरिजॉन्टल है, यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है पावर, है ना? बट वर्टिकल डिविजन में क्या होता है, आपका जो डेमोक्रेसी है वो डीप होती जाती है, मतलब
लेवल के बाद लेवल, लेवल के बाद लेवल, लेवल के बाद लेवल, उसके बाद लेवल, और हर लेवल पे क्या होती है, पावर होती है। तो डेमोक्रेसी क्या हो रही है, डीप होती जा रही है, मतलब ग्रास रूट लेवल तक आपका डेमोक्रेसी जाता है। ग्रास रूट लेवल तक जो सिटीजंस होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत राज आर द एग्जाम्पल ऑफ द वर्टिकल डिविजन, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके बाद पंचायती राज होता है, ठीक है। तो ये आप उसके एग्जाम्पल दे दोगे, क्लियर। फिर गिव अ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन बेल्जियम एंड इंडिया इन द स्फीयर ऑफ एरिया। बेल्जियम और इंडिया को एरिया के हिसाब से क्या करना है, कंपेयर करना है, एनालाइज करना है। तो एरिया वाइज बेल्जियम जो है भाई वो छोटी कंट्री है, है ना, यूरोप की, और स्मॉलर एरिया है इसका देन दैट ऑफ हरियाणा ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया का जो हरियाणा स्टेट है उससे भी छोटी कंट्री है बेल्जियम, ठीक है। इट हैज बॉर्डर्स विद नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। कल मैंने आपको बताया था कि बेल्जियम की जो बॉर्डर है वो नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी से शेयर होती है। प्लस रिगार्डिंग पॉपुलेशन, इट हैज अ पॉपुलेशन ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ की पॉपुलेशन है। अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा की पॉपुलेशन से हाफ है जर्मनी, बेल्जियम की, है ना। इट हैज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एथेनिक कंपोजिशन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एथेनिक कंपोजिशन है। क्यों? क्योंकि बहुत लैंग्वेज वहां पर बोली जाती है, है ना, स्पीकिंग कम्युनिटीज देन इंडिया विच इज अ सेक्यूलर एंड इंटीग्रेटेड कंट्री। इंडिया में जो है, इंडिया का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ज्यादा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में बहुत तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है, है ना। रीजनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो हमारे यहाँ का जो कंसेप्ट है, हमारे यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है देन बेल्जियम, क्योंकि बेल्जियम में तो 3 ही लैंग्वेज थी, डच, फ्रेंच एंड जर्मनी, है ना, जिसमें जर्मनी का जो कंपोजिशन था वो वैसे ही 1% ही था, तो वो एकदम ही जो था नेग्लिजिबल था। बट दो कम्युनिटीज जो थी तो 2 ही लैंग्वेज थी, बट हमारे यहाँ पर बहुत लैंग्वेज बोली जाती है, तो हमारा जो एथनिक कंपोजिशन है वो क्या है, ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो है आंसर लिखना है। कंपेयर किया है तो आप एरिया वाइज बोला है, तो आप बेल्जियम को बता दोगे छोटी कंट्री है, बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है वो क्या है, हरियाणा की पॉपुलेशन का आधा है, जो बेल्जियम है वो बॉर्डर शेयर करता है नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी के साथ, और उसका एथनिक कंपोजिशन जो है वो कैसा है, थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स देन इंडिया। What is the reason for tension in Belgium? अब tension क्या था Belgium में? क्या था tension? कि भाई all over the country Dutch ज़्यादा बोली जाती है और French कम बोली जाती है, but capital में वही Dutch कम बोली जाती है और French ज़्यादा बोली जाती है, तो एक ये ethnic composition वाली problem थी, है ना, ये टेंशन चल रही थी। उसमें भी जो पूरी कंट्री में फ्रेंच कम बोली जाती है, तो जो फ्रेंच माइनॉरिटी कम्युनिटी थी वो ज्यादा रिच थी, वो पावरफुल थी देन द मेजॉरिटी, तो ये भी एक कंफ्लिक्ट वाली चीज थी, तो ये टेंशन्स वहां पे चल रही थी। तो आप इसको लिखोगे कैसे, द डच फॉर्म 59%, द फ्रेंच फॉर्म 40% एंड द जर्मन अबाउट 1% कंप्राइजेस द पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम। तो पहले आपने बता दिया कंपोजिशन, उसके बाद द फ्रेंच कम्युनिटी इज इन मेजॉरिटी इन कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ब्रुसेल्स में, कैपिटल में फ्रेंच कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी। फिर आपने दूसरी प्रॉब्लम बताई, फिर आपने बताया कि भाई रिच और पावरफुल था कौन, फ्रेंच, डच से ज्यादा। फिर आपने बताया द डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर शोड द रिजेंटमेंट, और जो डच स्पीकर्स थे, है ना, उनको जो एजुकेशन का जो था, रिच जो था, उनके पास वेल्थ जो थी, वो बहुत लेट आई फ्रेंच से। क्यों? क्योंकि फ्रेंच पावरफुल थे, है ना, वो ज्यादा डेवलप्ड थे, क्योंकि उनके पास पैसा था, वो रिच थे, है ना। तो यहाँ पर आप ये चीज भी मेंशन करोगे, तो ऐसे 4 पॉइंट में आप रीजंस बता दोगे कि बेल्जियम में क्या टेंशन चल रहा था, एंड दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग पीपल, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गुड डेमोक्रेटिक फ्रंट,
एक गुड डेमोक्रेटिक फ्रंट क्या होता है एक्सप्लेन करना है. सो पीपल रूल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देमसेल्व्स. तो यहां पर गुड डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं सिटीजंस ऑफ द कंट्री होते हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने लीडर को. ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है, जो रिस्पेक्ट होती है वो सारे ग्रुप्स को दी जाती है. व्यूज उनके जो है मैटर करते हैं. ठीक है, उनके क्या व्यूज हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, उन सबको रिस्पेक्ट दी जाती है. Everyone has right to vote and value of each vote is equal. है ना, सभी को वोट देने का क्या है राइट है, सब लोग वोट दे सकते हैं और हर वोट की वैल्यू होती है ना. Then everyone has a voice in the shaping of public policies and as many people as possible should share power. है ना, जितने भी लोग होते हैं, जितने भी citizens होते हैं country के, सबके पास rights होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने जो point of view है उसको express कर सकते हैं, वो क्या सोच सकते हैं, वो सब उनको क्या है right है बोलने का. तो और सभी के पास जो है अपनी आवाज है कि वो जो भी policies चलती हैं, जो भी public policies गवर्नमेंट लेके आती है उन पे अपना व्यू पॉइंट दे सकती हैं, है ना, कि उनको वो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये आपको लिखना है ना. और जितने भी पीपल है सबके पास क्या होती है इक्वल पावर होती है ना. तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट वाइज, है ना, पॉइंट वाइज आपको लिखते चलना है. ठीक है, सो ब्रीफली एक्सप्लेन द वेज इन विच पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट रिजल्ट्स इन द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर. तो अब यहां पर क्या पूछा गया है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि विच पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट रिजल्ट्स इन द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर. तो कौन सी पावर शेयरिंग की मेथड से आप किसी भी कंट्री में बैलेंस कर सकते हो पावर. तो यहां पर पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन में पावर शेयर होती है. तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मतलब हॉरिजॉन्टल डिविजन ऑफ पावर. Each organ is equally important. हर organ important है equally एक democratic country में. सबके पास अपनी अपनी power होती है ना. Separation of power ensures that all organs exercise their power within limits. है ना, separation of power क्या बताता है कि भाई सबके पास power है ना, equal power है सबके पास, और जो वो power exercise करेंगे वो limited है ना. पावर तो आपको दे रखी है, वो लिमिटेड है. क्यों? क्योंकि भाई आप अनलिमिटेड कुछ भी नहीं कर सकते हो, है ना, कि भाई मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, ऐसा नहीं करना है. जो रूल्स है, रेगुलेशन है, आपको उसके हिसाब से ही चलना है. तो एक लिमिटेड पावर जो है ये दे रखी है, विदिन लिमिट्स आपको करनी है चीजें. ईच ऑर्गन चेक्स द अदर. यहां पर जो है हर एक ऑर्गन को आप चेक कर सकते हो, एक दूसरे को चेक कर सकते हो. तो चेक एंड बैलेंस कंसेप्ट यहां पर यूज होता है ना. तो इसकी वजह से दिस रिजल्ट्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस. तो इसकी वजह से क्या होता है, मेंटेन हो जाता है सब कुछ. ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर यहां पर लिखना है. नेक्स्ट, मेंशन एनी थ्री प्रोविजंस ऑफ द एक्ट व्हिच पास्ड इन श्रीलंका फ्रॉम 1956 टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी. तो श्रीलंका में जो सिन्हाला सुप्रीमेसी हुई थी, उन्होंने एक एक्ट पास किया था. तो उस एक्ट के जो तीन प्रोविजंस थे वो क्या क्या थे? तो एक, 1956 के एक्ट में उन्होंने क्या किया था, अंडर विच इंग्लिश वॉज रिप्लेस्ड, इंग्लिश थी पहले, उसको रिप्लेस कर दिया था एज द कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज नॉट बाय सिन्हाला एंड तमिल बट सिन्हाला ओनली. है ना, तो इंग्लिश को हटाकर वो क्या कर सकते थे, दोनों लैंग्वेजेस जो थी सिन्हाला तमिल दोनों को रख सकते थे. पर उन्होंने क्या किया, सिर्फ सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया. ठीक है, फिर द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म. सिन्हाला बुद्धिज्म फॉलो करते थे, तो उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म रिलीजन को ही प्रोटेक्ट और प्रमोट किया, तमिल्स को नेग्लेक्ट कर दिया. सी, डिनायल ऑफ सिटीजनशिप टू एस्टेट तमिल्स. और यहां पर जो तमिल्स थे उनका जो सिटीजनशिप था कि वो भी इस कंट्री के सिटीजन है, उसको भी क्या कर दिया, डिनाय कर दिया. डिनाय मतलब डिसरिस्पेक्ट किया, डिसरिगार्ड किया, उनको मानते ही नहीं थे कि तमिल्स भी जो है श्रीलंका के सिटीजन है.
ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना आंसर लिखना है। तीन प्रोविजन पूछा है तो तीनों प्रोविजंस आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं। नाउ गिव रीजन फॉर विच पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, है ना। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्यों डिजायरेबल है, तो इसके रीजंस आपको लिखने हैं। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहली बात, अगर आप पावर शेयर नहीं करते हो तो श्रीलंका जैसे हालात हो जाते हैं और कंडीशन क्या आ जाती है, सिविल वॉर की, तो वो रिड्यूस हो जाता है, है ना। इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, है ना। डिसबैलेंस नहीं होता है, स्टेबल रहता है डेमोक्रेसी, ठीक है, स्टेबल रहता है पॉलिटिक्स, स्टेबल रहते हैं वहां के सिटीजन, ठीक है, डिसबैलेंस नहीं होता। इट स्ट्रेंथन्स द यूनिटी ऑफ द कंट्री, और अगर सबके पास पावर होती है तो यूनिटी बनी रहती है कि भाई हाँ, इसके पास भी वही पावर है जो मेरे पास है, इसके पास भी वही राइट्स है जो मेरे पास है, तो यहां पर क्या होता है, क्या बना रहता है, आपका यूनिटी बनी रहती है ना। तो इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। नाउ व्हाट इज पावर शेयरिंग, है ना। अगर आपको 3 मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट इज पावर शेयरिंग, 1 मार्क का आंसर मैंने बताया था, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट्स। और अगर आपको 3 मार्क्स में पूछते हैं तो पावर शेयरिंग इज अ स्ट्रेटजी वेयर इन ऑल द मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी आर प्रोवाइडेड विद अ परमानेंट शेयर ऑफ पावर इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो कंट्री को गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए परमानेंट शेयर ऑफ पावर दे दिया जाता है सारे लोगों को, ठीक है। इट इज अ मीन्स ऑफ शेयर sharing practices and established rule and roles to facilitate broad based decision making, controlling and leading। मतलब यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि ये किस लिए यूज होता है, कैसे शेयरिंग प्रैक्टिस होती है, जहां पर कुछ रूल्स और regulations जो है, रूल्स और रोल्स जो है वो एस्टेब्लिश किए जाते हैं, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है, कंट्रोलिंग इजी हो जाता है किसी भी कंट्री का, और लीडिंग भी इजी हो जाती है किसी भी कंट्री की, अगर जो पावर होती है वो इस तरीके से शेयर होती है कि सारी कम्युनिटीज जो है सबके पास इक्वल पावर रहे। इट इज पोटेंशियल टूल फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट्स ऑन द सोसाइटी, और जो भी सोसाइटी रहता है उसमें जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो इजिली क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको आंसर लिखना है। पावर शेयरिंग अगर 3 मार्क्स में आता है तो आप 3 पॉइंट्स इस तरीके से मेंशन करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। तो यहां पर जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है डेमोक्रेसी में वो क्या क्या है, एग्जाम्पल। पहला, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स। तो सबसे पहले पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जैसे कि, है ना, एग्जांपल आपका क्या हो गया, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। दूसरा, पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, तो डिफरेंट लेवल पे होता है, एग्जाम्पल क्या बता दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल क्या बता दिया, जैसे कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट में पावर शेयर होता है, डिफरेंट लेवल पे होते हैं, है ना। फिर तीसरा, पावर इज शेयर्ड अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स, है ना, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर होता है, जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि बेल्जियम ने फॉलो किया था, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। और चौथा, पावर इज शेयर्ड अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, है ना, और मूवमेंट्स, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, उनके बीच में जो है पावर को शेयर किया जाना, जैसे कि हमारे इंडिया में फॉलो होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, हमारे यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज हैं जो इलेक्शंस लड़ती हैं, तो यहाँ पर उन सभी के पास पावर होती है, हर पार्टी के पास अपनी पावर होती है कि वो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए जो है कुछ चीजें कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये 4 डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी में, है ना। तो इस तरीके से आपको एग्जाम जो आंसर है वो लिखना है। Now, state the prudential reason for power sharing. तो prudential reason क्या होता है power sharing का, जब मैंने summary भी बताई थी तो मैंने आपको बोला था कि ये important है, इससे questions बनते हैं, है ना। तो these reasons are based, है ना, these
reasons, है ना, these reasons are based on the careful calculations of gains and losses occurring due to the adoption of a particular style of governance, है ना? Prudential reason मतलब, prudential मतलब क्या होता है कि जब आप कोई चीज plan करते हो, जब आप कोई strategy बनाते हो, है ना, जब भी आप कोई strategy बनाओगे तो उसमें क्या देखोगे आप कि इस strategy से मुझे कोई loss तो नहीं हो रहा, इस स्ट्रेटजी से मुझे क्या क्या चीजें प्रॉफिट होगी, क्या मुझे गेन होगा, तो ये सब चीजें जब आप सोचते हो उसको बोलते हो आप प्रूडेंशियल। तो पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन क्या होगा कि पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब इसकी वजह से मुझे प्रॉफिट क्या होगा कि भाई अगर मैंने पावर शेयरिंग करी तो कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा सोशल ग्रुप्स में, है ना, बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, एंड वॉयलेंट अपहिवल्स नहीं होगा, है ना, कोई भी वॉयलेंट मूवमेंट्स नहीं होंगे, कोई वॉर जैसे सिचुएशन नहीं होगी। इट इज सीन एज अ कॉम्प्रोमाइज दैट इज सॉट अमंग द वेरियस ग्रुप्स टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स, है ना, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो भी स्टेबल रहते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास भी पावर रहती है ना, सामने पार्टी के पास भी पावर रहती है, तो एक पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो स्टेबल रहता है। पावर शेयरिंग इज अ स्ट्रेटजी फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स ओवर हु शुड हैव द मोस्ट पावरफुल पोजीशन इन द सोशल हायरार्की। और यहां पर पावर शेयरिंग जब आप सबको इक्वल पावर दे देते हो तो यहां पर जो वो चीज हो जाती है कि भाई किसके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, किसके पास कम पावर होनी चाहिए, ये सब चीजें नहीं होती है, है ना, तो ये प्रूडेंशियल रीजंस हो जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं द स्टेट मॉरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, मॉरल रीजन क्या होगा, पावर शेयरिंग इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, बेसिक चीज है ये डेमोक्रेसी की कि पावर सबके पास होनी चाहिए। अगर आप सिटीजंस के हिसाब से चल रहे हो तो सिटीजंस तो बहुत सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीजन है, अलग कल्चर से आते हैं, लैंग्वेज से आते हैं, एथनिक कंपोजिशन अलग रहता है, और आपको सबकी बात माननी है ना, क्योंकि आपको डेमोक्रेसी चलानी है तो आपको पावर शेयर करनी ही पड़ेगी, आपको सबको इक्वल पावर देनी पड़ेगी। तो बेसिक स्पिरिट है डेमोक्रेसी का पावर शेयरिंग, और डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स गिविंग वॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द पीपल, है ना, सबको भैया आपको जो है रिप्रेजेंट जो है वो पीपल कर रहा है, तो आपको हर सिटीजन को क्या करना है, पावर देनी है। हु वुड बी अफेक्टेड बाय द पॉलिसीज एंड रूल मेड, क्यों, क्योंकि जो भी आप पॉलिसीज बनाओगे, गवर्नमेंट जो भी रूल्स पॉलिसीज लॉज बनाएगा वो किसके ऊपर बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, सिटीजंस के लिए बना रहे हैं, पीपल ऑफ द कंट्री के लिए बना रहे हैं, तो वही लोग उससे इफेक्ट होंगे। तो यहां पर बहुत ही सोच समझ के आपको चीजें करनी होती है। तो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, है ना, तो यहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय लेजिटिमेट गवर्नमेंट, कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब विच इज अकाउंटेबल एंड रीजनेबल, मतलब कि अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना रहा है, कोई रूल बना रहा है, और अगर उसका इफेक्ट जो है वो सपोज करो गलत होता है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, आपने जो लॉ बनाया उसकी वजह से अगर कोई गलत चीज हो गई, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, हु, द गवर्नमेंट। तो यहां पर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल रहे अपने एक्ट्स को लेकर, कि जो भी वो चीजें पीपल के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, उसके लिए वो अकाउंटेबल है, रीजनेबल है, कि अगर कुछ गलत भी होता है तो हम लोग हैं, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो विच इज चूजन बाय द पीपल सो दे हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। तो ये लोगों का राइट है भाई कि हम लोगों ने ही आपको चुना है, तभी आप हमारे लिए लॉज बना रहे हो, तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि आप ये चीज क्या कर रहे हो, है ना, तो यू आर अकाउंटेबल। हम आपसे कभी भी पूछ सकते हैं कि ये चीज आपने क्यों करी, इसका हमें क्या फायदा है, है ना, तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट जरूरी है। A legitimate government is one where people through participation acquire a stake in the system.
और लेजिटिमेट गवर्नमेंट में जब आप अकाउंटेबल और रीजनेबल होते हो तो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं कि हमें बताओ कि क्या लॉ है, क्या रूल है, इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे क्या नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर। तो ये सब चीजें इसमें आप पीपल्स का पार्टिसिपेशन हो जाता है, तो सिस्टम में एक जगह भी हो जाती है लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, कॉमन पीपल के लिए, कि वो कभी भी आके पूछ सकते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, नेक्स्ट, द मॉरल रीजन एम्फेसिस इज द इंस्ट्रिंक वर्थ ऑफ पावर शेयरिंग, इंट्रिंसिक वर्थ, मतलब जो मॉरल रीजन होगा उसके पास क्या होगा, मॉरल रीजन मतलब कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, है ना, अच्छा बुरा हमारे लिए क्या होगा ये हमें पता है, तो हमें इसको पूछने का राइट होना चाहिए, पावर होना चाहिए, है ना। और जो गवर्नमेंट भी है उसको भी आंसरेबल होना चाहिए कि हाँ ये चीज सही है ये चीज गलत है, है ना, और वो इस चीज के लिए अकाउंटेबल हो, अगर कुछ गलत होता है तो वो उसको सही करे। तो इसलिए मॉरली भी जो है क्या होना चाहिए, पावर शेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, प्रूडेंशियल रीजंस मैंने आपको बताया और अब मैंने आपको बताया मॉरल रीजंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज जो है आपके आंसर को लिखना है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आज हमने जो है 3 मार्कर्स देखे कि किस तरीके से आपको 3 मार्क के क्वेश्चंस को डील करना है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हर टॉपिक से रिलेट करके मैंने आपके लिए लेके आए हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है, सभी इसी में ही इंक्लूडेड है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी, है ना, और इंपॉर्टेंट भी, है ना। तो ये सब आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, अच्छे से लिखना है, है ना। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, और वहां से भी आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, वीडियो को बिल्कुल बिल्कुल आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी फ्रेंड्स जो हैं वो सभी इस वीडियो को देखें, आपको ये बहुत बहुत हेल्प करेगा आपकी बोर्ड एग्जाम्स में, है ना, आपका फटाफट जो है इसमें रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में भी आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करना है, है ना। और आप जो है हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री कंटेंट एंड फ्री वीडियोस, है ना। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में मिलेंगे, है ना, जिसमें अब हम लोग क्या करेंगे, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलते हैं वो डील करेंगे कि उसमें अब आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है किसी आंसर को, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, है ना, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।